अभी मैं जो जगह पे आया हूँ, शायद ये जगह किसी ने एक्सप्लोर ना किया हो, बहुत कम लोग जानते हैं इस जगह के बारे में। ये जैसलमेर में ही है एंड दिस इज़ नॉन एज खावा फोर्ट। खावा फोर्ट जो है वो वहाँ पे आया हुआ हूँ, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एंड लेट्स एक्सप्लोर दैट। गाइज आई गॉट दिस टिकट फॉर 20 रुपीज़, यहाँ पे फिक्स्ड है, लाइक काइंड ऑफ राजस्थान का जो टूरिज्म वाला, एंड हम फोर्ट के टॉप में चलते हैं एंड एक्सप्लोर करते हैं। गाइज तो खावा फोर्ट के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ कि ये 13th century AD में बनाया गया था एंड बहुत ही छोटा फोर्ट है, जो सिल्क रूट से जो राजस्थान के जो ट्रेडर्स आते थे यहाँ पे, तो वो यहाँ पे स्टे करते थे ऐसा कहा जाता है। और काइंड ऑफ हॉन्टेड भी बोला जाता है इसको, मैं ये नहीं बोलूँगा कि हॉन्टेड है, काइंड ऑफ हॉन्टेड बोला जा सकता है इसको। कुछ कुछ लोग यहाँ पे बोलते हैं कि ये कुलधारा विलेज जो जहाँ पे मैं अभी जाने वाला हूँ वहाँ से रिलेटेड है, ठीक है। तो बहुत छोटा फोर्ट है और जस्ट एन्जॉय द सीनिक व्यू ऑफ दिस फोर्ट। गाइस ये जो आप पीछे देख रहे हो मेरे, ये सब ट्रेडर्स के जो सामान है वो सब आप देख सकते हो, बहुत सामान है ट्रेडर्स के। यहाँ पे सब ट्रेडर्स जो आते थे वहाँ से सामान लेके आते थे। तो ज़्यादा कुछ था नहीं, बहुत ही छोटा फोर्ट है ये, अगर आप चाहो तो आ सकते हो, थोड़ा बहुत तो आर्कियोलॉजी में इंटरेस्ट है तो। नेक्स्ट हम चलते हैं कुलधारा द हॉन्टेड विलेज विच इज़ वेटिंग फॉर अस। सो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ कुलधारा विलेज, हॉन्टेड विलेज, एंड काफ़ी प्रिटी है और बहुत ही अबेंडेंट विलेज है। अगर आप जानते नहीं इस विलेज के बारे में तो मैं बता दूँ कि ये राजस्थान का सेकंड हॉन्टेड प्लेस है, मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में से, और यहाँ पे गवर्नमेंट बोर्ड भी लगा हुआ है, गवर्नमेंट साइंस भी दिए गए हैं, वार्निंग दिए गए हैं कि 6 o'clock के बाद यहाँ पे नो एंट्री है। एंड बहुत ही मतलब ओल्ड विलेज है। यहाँ पे इसका स्टोरी ऐसा था कि यहाँ पे पालीवाल ब्राह्मिन्स रहते थे। पालीवाल ब्राह्मिन इज़ अ काइंड ऑफ कास्ट जो राजस्थान में पहले एग्जिस्ट करता था। तो पालीवाल ब्राह्मिन्स का ये विलेज था। तो हुआ क्या ना कि यहाँ पे लाइक सम काइंड ऑफ लाइक जो राजपूत थे उनको किसी पालीवाल ब्राह्मिन के लड़की के साथ प्यार हो गया, सम काइंड ऑफ थिंग। एंड देन जब ब्राह्मिन्स ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, मतलब राजपूत कैसे ब्राह्मिन से शादी कर सकता है, तो दैट राजपूत वालों ने लाइक काइंड ऑफ वॉर यहाँ पे करने का सोचा, करने का ऐसे वार्निंग दिया। तो यहाँ पे जो विलेज वालों को खाली करना पड़ा गांव ड्यू टू दैट वार्निंग। एंड यहाँ पे विलेजर्स जब खाली कर रहे थे गांव, तो उन राजपूत वालों को श्राप दिया कि यहाँ पे कोई भी फैमिली नहीं रह सकता इस गांव में कभी फ्यूचर में। तभी से गांव खाली है एंड यहाँ पे श्राप की वजह से काइंड ऑफ हॉरर थिंग्स होते हैं, बट देर इज़ नथिंग लाइक दैट, इट डिपेंड्स ऑन द बिलीफ। सो या लेट्स एक्सप्लोर दिस, और मैं आपको थोड़ा सा व्यूज़ दिखाता हूँ यहाँ के कैसे।
सो गाइज, ये विलेज अबेंडेंट हो चुका था और जैसे कि आपने देखा काफ़ी मतलब डिस्ट्रॉय हो चुका है इसके जो बिल्डिंग्स थे। गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट राजस्थान ब्लॉग। होप यू लाइक इट, होप यू एंजॉयड इट। गाइज, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, गाइज कर दो, स्मैश द बटन, कम ऑन, स्मैश दैट रेड बटन गाइज डाउन बिलो। एंड कोई भी अगर रिव्यूज़, कोई फीडबैक या फिर कुछ भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो गाइज। थैंक यू सो मच।